बक्सर और कैमूर की फटाफट छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अपना चैनल सिटी न्यूज, आपको रखे आगे साथ ही सच के साथ। बक्सर में प्लाज्मा डोनेट मामले में बिहार का पहला जिला हुआ बक्सर। बक्सर से 3 लोग कर चुके हैं प्लाज्मा डोनेट, तीनों नया भोजपुर के हैं डोनर। जिला प्रशासन ने तीनों को कोरोना योद्धा से किया सम्मानित। बच्चों के विवाद में सिकरौल थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद हिंसक रूप ले लिया तथा हवाई फायरिंग भी की गई। वहीं किसी ने थाने को सूचना दी। सूचना पाकर सिकरौल पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई। बक्सर जिले में लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव, आज फिर हुए 23 नए संक्रमित मरीज। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 433, जिसमें 281 कोरोना को मात देकर हुए स्वस्थ। अब तक जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या है 152। जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के देहवलिया एवं मसाड़ी के शराब के मामले में और दो वारंटी को किया गया गिरफ्तार, मेडिकल कराने के बाद भेजा गया जेल। जिले के देहवलिया बाजार में नहीं दिखा लॉकडाउन का असर, खुली रही सारी दुकानें। रामगढ़ नोआ में दिखा लॉकडाउन का असर। जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के NH2 पर लगा भीषण जाम, आवागमन पर हुआ बाधित। दिन भर लोग फंसे रहे, परेशान रहे, रोज़ की तरह ये स्थिति बनी हुई है। जिले के भभुआ इटावा के मुख्य पथ पर दो बाइक आपस में टकराए, इलाज के दौरान एक की हुई मौत। मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। जिले के दुर्गावती थाने पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, मास्क एवं हेलमेट के मद्देनज़र रखते हुए चलाया गया अभियान। थाना अध्यक्ष और प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान।